देवघर में सावन मेला के दौरान स्थानीय लोगों और श्रद्धालु को प्लास्टिक का उपयोग करना पड़ेगा, महंगा होगी कानूनी कार्रवाई, लगेगा जुर्माना। झारखंड सरकार के आदेश जारी करते हुए कहा गया है कि 1 जून से सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर पूरी तरह से बैन कर दिया गया है, जिसको लेकर देवघर जिला प्रशासन ने भी देवघर में प्लास्टिक के प्रयोग पर रोक लगाने के लिए टीम तैयार कर रही है। खास करके श्रावणी मेला में प्लास्टिक के उपयोग पर कड़ी नजर रखी जाएगी। देवघर उपायुक्त ने बताया कि झारखंड सरकार के द्वारा आदेश जारी करते हुए कहा है कि प्लास्टिक का उपयोग करना गैर कानूनी है और हर जगह से इसके उपयोग पर बैन लगा दिया जाए, जिसको लेकर देवघर जिला प्रशासन तैयारी में जुटी हुई है और प्लास्टिक के प्रयोग को रोकने के लिए जिला प्रशासन ने अपनी टीम तैयार कर रही है और श्रावणी मेला में पूरी तरह से प्लास्टिक के उपयोग पर बैन रहेगा। जहां कहीं भी प्लास्टिक का प्रयोग करते हुए पकड़े जाएंगे या स्टोक किए हुए पाए जाएंगे, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही और जुर्माना भी लगाया जाएगा। उपायुक्त ने कहा कि सावन माह में दूर दूर से श्रद्धालु देवघर पहुंचते हैं, श्रद्धालु को अच्छा अनुभव हो, देवघर साफ सुथरा शहर के रूप में श्रद्धालु के मन में बसे, इसके लिए इस बार सावन में प्लास्टिक को पूरी तरह से बैन कर दिया गया है और जहां हमेशा गंदगी का अंबार लगा रहता था, अब उस जगह पर साफ सफाई नजर आएगा। जो भी लोग बाहर से आएंगे उसे एक स्वच्छ शहर के रूप में देवघर नजर आएंगे। इसके लिए हम जिला प्रशासन आने वाले श्रद्धालुओं एवं स्थानीय लोगों से अपील भी करते हैं कि स्थानीय लोग ज्यादा से ज्यादा दोना पत्तल का प्रयोग करें, प्लास्टिक का उपयोग ना करें। जैसे राज्य सरकार के द्वारा जो बैन किया गया है कि प्लास्टिक और खासकर ये जो सिंगल यूज प्लास्टिक और थर्मोकोल का, तो उसका हम लोग सख्ती से नगर निगम क्षेत्र और पंचायत क्षेत्र में करने वाले हैं। और नगर निगम क्षेत्र में तो हम तो पहले से थर्मोकोल बैन के और थर्मोकोल के अगेंस्ट में और दोना पत्तल का उपयोग करने के लिए बहुत प्रचार प्रसार भी किए हैं और उसका उपयोग भी हो रही है। अब सावन के लिए हम लोग खासकर कहीं पे भी किसी तरह का पे प्लास्टिक कप्स हो या थर्मोकोल का प्लेट्स हो, थर्मोकोल का कप्स हो और प्लास्टिक का भी नहीं हो, तो उसके लिए हम लोग बृहत प्रमाण पर जितने भी लोग आ रहे हैं उन सबको हम लोग प्रचार प्रसार भी पहले से कर रहे हैं, ताकि जो भी लोग आएंगे वो सब लोग जो नेचर फ्रेंडली आइटम से यूज़ कर रहे हैं। खासकर जहाँ पे भी धर्मशाला हो गया, होल्डिंग पॉइंट्स हो गया, बहुत सारे लोग ये आश्रय जो विश्राम गृह भी जो बनाते हैं वहाँ भोजन का जो बना के देते हैं, तो वो लोग पहले से भी बहुत सारे लोग दोना पत्तल भी देते हैं। तो इस बार भी हम लोग उन सबको अनुरोध किए हैं कि थर्मोकोल और ये सब पेपर प्लेट यूज़ मत करें, इसी का ही यूज़ करें। और पंचायत क्षेत्र में भी हम लोग सारे मुखियाओं के माध्यम से, सारे प्रखंड विकास पदाधिकारियों के माध्यम से और फिर 15 वित्त आयोग का जो योजनाएं हैं और स्वच्छ भारत मिशन के जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट, उसके अंतर्गत भी काम चल रही है और आज भी हम लोग उनको बताए हैं। और हम लोग चाहेंगे कि इस सावन में जितने भी श्रद्धालु आएंगे वो उनको भी एक अच्छा अनुभूति मिले कि स्वच्छ और सुंदर शहर है, बाबा नगरी है, और वो लोग भी प्लास्टिक और थर्मोकोल का उपयोग न करें। और हम लोग प्रचार प्रसार युग स्तर पर करेंगे, सोशल मीडिया के माध्यम से भी और पत्रिकाओं के माध्यम से। इसका निश्चित रूप से खासकर नगर निगम क्षेत्र से तो हमारे स्क्वाड भी रहेंगे, नगर निगम जो आयुक्त वो स्क्वाड्स बनाएंगे, ताकि कहीं पे भी इस तरह का अगर अधिक मात्रा में कोई स्टोरेज भी किया है बेचने के लिए, तो वहाँ उसको छापामारी करके उसको सीज करके कार्रवाई और पेनाल्टी करें, और कहीं पे भी अगर उपयोग भी हो रहा है तो उनको समझाए और उसको भी सीज करें, तो उसके लिए स्क्वाड्स भी रहेगा। और सावनी मेला में 80% जो ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्र शहरी इलाके में पड़ता है और रिमेनिंग जो खासकर कांवरिया पथ और हो गया कोटिया वागमारा बस स्टैंड से लेकर खिजुरिया तक थोड़ा ग्रामीण क्षेत्र पड़ता है, तो वहाँ पे भी हम लोग PHED जो है ये युद्ध स्तर पर उसमें काम करेंगे।